सीमिती जी, अब तो हमारे करीब आई है ना। करीब बुलाकर क्या करेंगे, तुम तो वैसे ही किसी लायक नहीं हो। क्या ऐसा सब कहते हैं? ये बात चीन तक पहुंच गई। हम तो कहते हैं अपने अब्बा हुजूर से बिल्लीबाजी का मुकाबला भी मत कीजिएगा, वरना हार गए तो बात चीन से भी आगे पहुंच जाएगी। अच्छा, और अगर हम जीत गए तो हमें क्या मिलेगा? आप जो कहेंगे वो मिलेगा। जो कहेंगे वो मिलेगा। सदा स्वागत रहो। मुकाबले के पहले दौर में बड़ा ही घमासान युद्ध हुआ। अब थोड़ी ही देर में मुकाबले का दूसरा दौर शुरू होगा। अरे अब दूसरा दौर शुरू हो गया है, कम से कम एक दूसरे को एक मुक्का तो मारिए। शांत हो जाइए। ये दोनों उठ क्यों नहीं रहे? शहंशाह अकबर और सलीम दोनों बेहोश हो गए। अब आप सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अब इन दोनों को सिर्फ गुरुजी ही ठीक कर सकते हैं। गुरुजी ने इन दोनों को गलत ताव बताया था ताकि ये दोनों एक दूसरे से लड़ते लड़ते बेहोश हो जाए। अब अगर इन दोनों को जल्दी होश में नहीं लाया गया तो इन दोनों का बचना मुश्किल है। अगर इन दोनों को जिंदा देखना चाहते हो तो पूरा हिंदुस्तान हमारे नाम करना होगा। ये हमारी शातिर चाल थी पूरे हिंदुस्तान में कब्जा करने की। गुरु, हो जा शुरू। गुरु, अब हम होंगे शुरू। बीरबल के होते हुए हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। क्यों चिमी जी, कैसी लगी हमारी चाल? ये कैसे हो सकता है? जहाँ बीरबल हो वहाँ कुछ भी हो सकता है। बीरबल? हाँ रानी साहिबा, बीरबल कल हमारे पास आया और उन्होंने हमें समझाया कि हमारी रियासत कभी भी एक हारे हुए शहजादे को बादशाह के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। इसीलिए सलीम के भविष्य के लिए हमने जानबूझकर हारना स्वीकार कर लिया। हाँ जापना, हम जानते हैं आप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। जापना, शहजादे सलीम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपसे बात करने के बाद
हम उनसे बात करने गए। हमने उन्हें समझाया कि उनसे हार कर आपका जापना का रसूख कम हो जाएगा। वैसे भी बड़ों पर हाथ उठाना हिंदुस्तान की परंपरा में नहीं, और जापना वो भी झूठ मूठ का हारने, बेहोश होने और आप पर झूठ मूठ का वार करने के लिए मान। और रही बात इस चिमी ची की जापना, इस पर तो हमें पहले ही शक था। अगर आपको इन पर पहले शक था बीरबल, तो ये आपने हमें बताया क्यों नहीं? कैसे बताते जापना? जापना, ये चिमी ची जो है ये हमारी मेहमान है, और सिर्फ शक के बिना पर हम इन्हें मुजरिम साबित नहीं कर सकते थे। फिर हमारे गुप्तचरों ने हमें बताया कि चीन की सेना हमारे सरहद तक पहुंच चुकी है। हमारा शक और बड़ा, और आखिर में जब आप बेहोश हुए जापना, तो इनकी हरकत से हमारा शक यकीन में बदल गया। तो चिमी ची जी, गुरु जी, ये था हमारा खेल।